हेलो, सत श्री अकाल सारिया नू, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपने न्यू घर पर, आपको दिखाती हूँ वहाँ पर क्या क्या काम हो चुका है और क्या बाकी बचा है, तो मिलते हैं पहुँचने के बाद। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं मेरा न्यू घर। अब मैं आ गई अपने न्यू घर पर, आज दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन काम कर रहे हैं और सबका असली चेहरा सामने लाती हूँ मैं। देखो मेरे ये है, टंकी टोटी की फिटिंग हो चुकी है और ये गेट भी लग चुके हैं, पर अभी पेंट बाकी रह रहा है। और ये है बिजली वाले भैया, सोनू भैया सदरपुरिया। ये मेरा इतना खून पी रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान। क्यों भैया, कितने दिनों से फोन कर रही हो, आज आ रहे हो, बताओ। 15 दिन हो गए। देखो अब देखो, ये कुछ लाइट रह रही है यहाँ की, फोर सीलिंग की, ये यहाँ पे लगाएंगे। और अभी ये भी काम चल रहा है, अभी किचन का अब चलने वाला है आज शाम से, या मतलब दोपहर के बाद से, या कल सुबह से चलेगा इसका फर्नीचर बनना है। ये लाइट चेक कर रहे हैं भैया, फोर सीलिंग की ये लाइट ऊपर लगने वाली है और ये सब कंप्लीट हो चुका है, कलर पेंट इसका, कलर पेंट ये हो गया फाइनल। फर्स्ट रूम और अलमारी का काम भी चल रहा है बनने वाले, इससे भी 4-5 दिन में इसके कवर लग जाएंगे। और बाकी दिखाती हूँ मैं वॉशरूम, ये लग गई है वॉश बेसिन। और ये वॉशरूम की फिटिंग हो गई है, ये अभी सफाई बाकी है, कल शाम तक ही करके गए थे ये भैया जो प्लम्बर हैं। और सेकंड ये है, तो अभी सफाई भी कोई नहीं हुई है ये। सेकंड वॉशरूम और हो जाती सफाई भी आज इसकी, लेकिन कुछ जरूरी काम पड़ गया, क्योंकि जो हमारे जो बास्केट लगनी है किचन में, तो उसका साइज छोटा बड़ा कर दिया, वो मुझे पूरा तरह बनवानी पड़ी। ये सेटिंग रूम, है आप दिखाती हूँ आपको, ये होल तो आपको मैंने दिखाई दिया। ये है मेरा थर्ड रूम, मतलब बैठक, ये इसमें ये पेंट कराया, ये कलर कराया है, और ये लाइट और ये डार्क, और ये है फोर सीलिंग। तो अब और ये पत्थर लगवाया मैंने सारे में, नीचे नीचे फ्लोर पे सब में। ये क्या कह रहे हो भैया, क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है? 15 क्या चाहिए? 15 अच्छा, ये 15 और चाहिए, ये दो कलर है, ऊपर और नीचे के दो जाएंगे। अच्छा भैया, ये है मेरा ऊपर का फ्लोर, और ये भी किचन लगभग फर्नीचर रह गया है, बन चुकी है, विंडो तैयार हो चुकी है। ये भैया ये ऊपर का फ्लोर है, पहले फ्लोर दिखा देती हूँ, तब भैया से बात कराऊंगी। ये है वही सेम जो नीचे का है, और सेम अलमारी, और ये काम चल रहा है अभी। ये है पीछे का एरिया, ये वॉशरूम, थर्ड वॉशरूम, अभी सफाई होनी बाकी है। और ये है फिलहाल किसी ने उतार ली, फोर्थ वॉशरूम,
ये जाल है और ये फिर सेकंड कमरा ऊपर का। ये दीवार डार्क और ये कलर है लाइट सेट, डबल सेट है। हाँ भैया, आज का काम चल रहा है ये बताओ। अच्छा, क्या काम चल रहा है? कितना परेशान कर रहे हैं ये भैया? भी बहुत खून पी रहे हैं। मेरी हंसी मजाक की आदत है और मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, इन लोगों को डांट भी देती हूँ और फिर प्यार से भी बात करती हूँ। ये फोर सीलिंग है हॉल की और एक फोर सीलिंग, मैं ये दिखा दूँ, ये फोर सीलिंग है ऊपर के फ्लोर की और ये डार्क दीवार और ये लाइट। ये भैया विंडो का काम कर रहे हैं आज और ये हो सकता है तो आज इन पे फाइनल पॉलिश लग जाएगी और कल ये विंडो, अभी ये कल लग जाएंगी विंडो नहीं हैं पॉलिश के। और ये बताओ कल क्यों गुस्सा कर रहे थे? इधर तो देखो, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाह रही थी जल्दी से जल्दी अपने घर में आ जाऊं, न्यू घर में, और बस संतुष्ट हो जाऊं, थोड़ा चैन से सो लूं और चैन से बना लूं, चैन से खा लूं। इसलिए मैं थोड़ी इसलिए परेशान हूं क्योंकि मैं दीपावली पे शिफ्ट होना चाह रही थी लेकिन ये काम नहीं हो पाया कंप्लीट, इसकी वजह से मैं दीपावली पे शिफ्ट नहीं हो पाई। और अब मेरा लग रहा है कि अब भी हो जाए, अभी भैया 10-15 दिन लगभग निकाल देंगे। और अभी मैं मिलाती हूँ, ऊपर पेंट भी चल रहा है पेंट वाले भैया से। ये है कासिम पेंटर। हाँ कासिम, तेरा तो शेष ही नज़र नहीं आ रहा भैया, कैसे करूँ? चलो इधर से देखती हूँ। हाँ देखो, कांड पे चढ़ा बैठा। और ये बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। अब तक मेरा फाइनल नहीं हो चुका अगर ये कासिम नहीं होता तो। कासिम तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है इसका भाई, और इसी ने मेरा जब काम जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा है। कासिम क्या कहना है, क्या दिन और लग जाएंगे ये बता? बस 4-5 दिन लग जाएंगे। 4-5 दिन में? 4-5 दिन। थैंक यू, वेरी गुड। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं शिफ्ट हो पाऊँ। और भाई ये है फुरकान, फुरकान तेरा क्या कहना है, कितना टाइम लग जाएगा? मेहनत तो फुरकान में बहुत करता है लेकिन इसको इस साइड पर रहने नहीं देता। आसिम, आसिम को भी दिखाऊंगी, अभी फरार है। फुरकान, आसिम को लगानी चाहिए डांट, बिल्कुल। एक आसिम और एक सलमान, चलो उनसे भी करते हैं बात। कहाँ गई है दोनों? चलो तो आप देख सकते हैं मेरा ऊपर का फ्लोर भी, थर्ड फ्लोर, ये अभी थर्ड फ्लोर का पेंट फाइनल नहीं है लेकिन ये बच्चे लग रहे हैं हो जाएगा। ये देखो, ये इसलिए परेशान है कारपेंटर भैया, देखो ये विंडो पॉलिश हुई रखी है, तैयार हो गई, बस इनमें कब्जे लगने बाकी हैं। और देखो 5-6 दिन के लिए बोल रहे हैं, पर मुझे लग रहा है अभी 10-12-15 दिन इसमें लग जाएंगे क्योंकि अभी ये पेंट भी रह गया और ये पेंट होने में भी कई दिन लग जाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ और ये ऊपर का फ्लोर, ऊपर का रूम, और ये हो गई है वॉश बेसिन की फिटिंग। अब मैं दिखाती हूँ ऊपर की वॉशरूम है, ये मतलब फिफ्थ है ये, और आगे एक फ्रंट पे है आगे, वो मैंने आपको दिखाई नहीं। 6 वॉशरूम है, ये छोटा सा कॉर्नर क्यूट सा पर लगवा दिया मैंने ये। चलो देखते हैं 10-15 दिन और काटते हैं इसी तरीके से, क्या करें बस।
हाँ जी, तो मैं आ गई अब अपने न्यू घर से और अब मैं हो गई हूँ रेडी। इनवाइट है आज जो हमारे भैया हैं एक पीएसी में, तो उनके बेटे का लगन टीका आ रहा है और हमें इनवाइट किया था उन्होंने 11 बजे के लिए और अब बज गए हैं 2। देखो घर के चक्कर में, काम वालों के चक्कर में, बिजली वाले और वो सब लोग आए हुए हैं उधर पर, अब भी काम चल रहा है तो इस चक्कर में मुझे कितना लेट हो गया। तो और मेरे हस्बैंड और बेटा जा रखे थे दिल्ली, मैंने आपको बताया था वाशकेट लेने के लिए, उन्होंने जो है साइज गलत दे दिया तो मैंने ऑर्डर पे मंगवाया था। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अब दिखाती हूँ मैं वहाँ पर पार्टी में पहुँचने के बाद। हम लोग जा रहे हैं पार्टी में और आप देख सकते हो कौन कौन जा रहे हैं। हाँ जी सिंह साहब जी, अच्छा जी बहुत बढ़िया, आज हम जा रहे हैं पार्टी में। सगाई है ना, रिंग सेरेमनी, रिंग सेरेमनी में पार्टी में जा रहे हैं। लगन टीका, हाँ लगन टीका, लगन टीका है उसमें। हमें तो खैर लगन से मतलब, मेरा मुझे क्या लगन से क्या मतलब, मुझे तो रसगुल्ले से मतलब है। रसगुल्ले से मतलब, रसगुल्ले से इसे ये नहीं पता लगुने टीका है या बरात है या क्या है, बस रसगुल्ले खाने हैं। और जब खाएगा तो 2 से 3 नहीं खाए खा पाएगा। हम आ गए हैं मैरिज होम में, मंडप में, और आप देख सकते हैं स्वागत लेडी खड़ी है। थैंक यू थैंक यू। करते रहे वाहेगुरु जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखें सब पे और सबका प्रोग्राम इसी तरह अच्छे से अच्छा कराएं। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, स्वाद हुआ, टेस्टी हुआ और अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो आप अपना ध्यान रखना।